जिनका नाम धोखे से लेने पर आचांडाल पर्यंत जगत पवित्र हो जाता है, उनके शुद्धि का प्रयास गोपियां कर रही हैं। कैसे हो भैया? बोले सबको शुद्ध करवे वारी गौ माता है, गौशाला में ले चलो। ठाकुर जी को गौशाला में ले गए और विचित्र चिकित्सा आरंभ हुई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्वकम् रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। बालकृष्ण प्रभु को गोमूत्र से स्पर्श कराया। अब देखो झांकी का दर्शन कर लो, नंद महल की पद्मा गैया खड़ी है, स्वर्ण पात्र में गोमूत्र पधराया हुआ है, पूर्णमासी पुरोहितानी मंत्र बोल रही है, बालकृष्ण का अभिषेक हो रहा गोमूत्र से। गोमय का लेप श्रीअंग में किया गया, गोरज लगाई गई है, यशोदा की अंक में ठाकुर जी बैठे हैं, रोहिणी जी पद्मा गैया को खोजोरा कर रही है, गैया मुड़ के बालकृष्ण की छवि देख रही है और पूर्णमासी पुरोहितानी पूछ लेके झाड़ा दे रही है। गोपियां झांकी का दर्शन कर रही है, ऐसी प्यारी ठाकुर जी की झांकी न भूतो न भविष्यति, ये नंदालय की झांकी है महाराज, अद्भुत झांकी। ठाकुर जी किलकारी भर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि मेरी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता की चरण रज आज मुझे दस बारह दिन के भी नहीं हुए ठाकुर जी, चरण रज मिल गई, गो माता की चरण रज मिल गई, गोमय गोमूत्र गो चरण रज का स्पर्श, गोपुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके भगवान कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या आ गई, गंगा दशहरा आ गया, कोई महापर्व आ गया, वो गंगा स्नान करना चाहिए, हम जा नहीं सकते, समय नहीं है, योग्यता नहीं है, धन नहीं है, अपने घर की वेद लक्षणा देसी गैया के गोबर गोमूत्र से स्नान कर लो, गोमुख जाकर गंगा जी में गोता लगाने का पुण्य घर बैठे प्राप्त हो जाए। हम जब भी वृंदावन रहते हैं, अब हमेशा बाहर तो संभव नहीं होता, वृंदावन रहते हैं तो संत बड़ी कृपा करके गौशाला जो ठाकुर जी की वृंदावन वाली है तो गोमूत्र में गोबर घोल देते हैं और घोल करके उसको फिर छान देते हैं छलनी से और फिर अपने राम उसी से स्नान करते हैं, खूब डट के स्नान करते, चार दो तीन बाल्टी भर के स्नान करते हैं और उसकी चिकनाई उसकी सुगंध जब तक दूसरी बार वृंदावन पहुंचे तब तक उसकी सुगंध जटाओं में हाथ में शरीर में बनी रहती है, और कोई तेल साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात हम इसलिए करें, आप स्वयं करके देखो कितनी दिव्य वस्तु है महाराज जी, उसकी खुशबू आते आते लगता है कि सब पाप ताप संताप सब नष्ट हो गए। देखो गाय इष्ट नहीं है, गाय अति इष्ट है, इष्ट ठाकुर जी हैं पर ठाकुर जी की इष्ट गाय है, इसलिए भगवान रामकृष्ण नारायण हमारे इष्ट हैं पर रामकृष्ण नारायण की इष्ट देवता आराध्य देवता गौ माता है। यह भारतवर्ष गाय के गोबर गोमूत्र से सुवासित था, गौ माता की चरण रस से पवित्र था, आज यह भारतवर्ष गाय के रक्त से रंजित हो रहा है। भैया सबसे भारी पाप यदि इस धरती पर कोई हो रहा तो गोवध का पाप हो रहा है, और जो भी समस्याएं इस देश में हैं इनका मूल कारण गोवध है। ये तो महात्माओं का बड़ा योगदान है, हम उन संतों को प्रणाम करते हैं जो संत गो सेवा के पवित्र कार्य में लगे हुए हैं। हमारे रघुवीर जी महाराज खूब बड़े प्रेम से गो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, खूब तत्परता से
गोचर को बचाया हुआ है इन्होंने। महाराज गोचर के ऊपर ज्यादा संकट है, सब जगह गोचर नष्ट हो गए। हम आपको ओरछा क्षेत्र की बात बताएं बाबा, जब रियासतों का भारत सरकार में विलय हुआ तो तत्कालीन जो टीकमगढ़ महाराज थे उन्होंने बाबा सशर्त विलय स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था बेत्रवती जामनी नदी के तट पर, हमारे राज्य की सीमा की जितनी नदियों के तट पर जो जो हमने गोचर छोड़े हैं वो गोचर सदा सर्वदा बने रहने चाहिए, ये शर्त रखी थी उन्होंने। और तब रियासत का विलय भारत सरकार में किया था। लेकिन आज कोई जमाना था महाराज जी, सबसे अधिक गोचर वहां था। टीकमगढ़ महाराज के गोचर छोड़ने में पूरे देश में पहला नाम था उनका। और इन बोट के भुखड़ नेताओं ने सारे गोचर बोट के लालच में समाप्त कर दिए। और गोचर को जोतने का कितना भारी पाप होता, हमारे शास्त्रों में लिखा है महाराज जी, गोचर का एक इतना अंश भी जो किसान जोतता है, स्कंद पुराण पद्म पुराण महाभारत में लिखा है नरकांड निवर्तन्ते याव दिंद्राश चतुर्दश, 14 इंद्रों के कार्यकाल तक वो नरक से बाहर नहीं आता है, अपने पुरखों के सहित नरक में जाता है। गोचर मत जोतो, गोचर पर अतिक्रमण मत करो, गोचर नष्ट हो गए। आज गोपालन में समस्या क्यों है? गोपालन की समस्या का मुख्य कारण है गोचरों का नष्ट होना। जब तक गोचर थे तब तक किसान के पास गाय थी, गोचर खत्म गए तो गाय खत्म हो गई। हम आपसे बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहे हैं, इस देश में पूर्ण गोवध निषेध का कानून बनना ही चाहिए। राष्ट्रीय नीति गोरक्षण गोसंवर्धन की होनी चाहिए, गो आधारित कृषि होनी चाहिए, पंचगव्य आधारित चिकित्सा होनी चाहिए, गव्य पदार्थों पर सरकारी खर्चे से बड़े बड़े शोध होना चाहिए, और भारत की दरिद्रता गरीबी को भारतीय देसी गायों के संरक्षण संवर्धन के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। हमें विश्वास है जिस दिन ऐसा होने लग जाएगा, भारत किसी देश का कर्जदार नहीं, पूरी दुनिया को कर्ज बांटने वाला देश बन जाएगा। लेकिन इतना साहस इन नेताओं में नहीं है तो इतना ही साहस करके दिखा देवे। देश के स्वतंत्र होते समय जितना गोचर था उतना गोचर केवल गाय को दे दें, गो सेवकों को दे दें, तो हमें विश्वास है बिना कानून हमारे देश में गोरक्षा हो जाएगी। ये बात सत्य है कि नहीं? गाय को खड़े होने की जगह नहीं बाबा, कहां गाय खड़ी हो। और नर गोवंश की तो बहुत ही दुर्दशा है, पूरे देश में सड़कों पर नर गोवंश खड़ा है। अभी हम लोग नारायण सरोवर गए थे, गो नवरात्रि महोत्सव पथमेड़ा महाराज जी ने किया था, बड़ा विराट उत्सव था, लेकिन देख करके दया आती थी महाराज, गाय आंत से आंत चिपकी हुई गाय की, भूख के मारे गाय प्राण त्याग रही है, पानी नहीं है, जबकि उस क्षेत्र में गाय दूध की नस्ल वाली गाय है। देश के विकास का दावा वहां एकदम खोखला दिखाई पड़ता है, कहां देश का विकास हो रहा है। गुजरात की यह हालत, गंदगी तो कचड़े के अंबार लगे हुए हैं, सफाई भी नहीं है। गायों की हालत, नारायण सरोवर सूखा पड़ा है, कारण क्या है? कारण यह है कि उस क्षेत्र में गो सेवक समाज वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। जिनकी परंपरा में गाय का वध गाय का मांस खाना पाप नहीं माना जाता, ऐसे लोग बस गए वहां, हिंदू वहां का पलायन कर गया,
और वे सब भी गोपालक ही हैं, लेकिन वे गोपालक इस प्रकार के गोपालक हैं कि प्रायः बैल बछड़े जहां नहीं जाना चाहिए वहां देते हैं, और गाय के भी दूध के अयोग्य होने पर जहां नहीं जाना चाहिए वहीं वो चली जाती है। उसी का दुष्परिणाम है बाबा, नर गोवंश के नृशंस हत्या का यह परिणाम है कि उस क्षेत्र में बरसों से अकाल पड़ रहा है, गोचर खत्म है, बिलायती बबूर पैदा हो गई है जिसमें घास भी पैदा नहीं होती। आज भी वह इतना बड़ा क्षेत्र है बाबा कि थोड़ा भारत सरकार ध्यान दे, गुजरात सरकार ध्यान दे, उस क्षेत्र को विकसित करे तो आज भी नारायण सरोवर के उस क्षेत्र में 10-20 लाख गायों का पोषण प्राकृतिक रूप से हो सकता है, इतना क्षेत्र पड़ा हुआ है। और भौगोलिक दृष्टि से और जलवायु की दृष्टि से वहां ठंडी नहीं पड़ती, वहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, तो वहां गोवंश प्राकृतिक रूप से अपनी प्राण रक्षा कर सकता है। लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव है, दूर दूर तक गाय की रक्षा गाय की सेवा की बात इनके दिमाग में ही नहीं है। क्यों नहीं है दिमाग में? उसका मूल कारण यह है कि गाय वोट नहीं देती। जिस दिन भारतवासी ये निश्चित कर लेंगे, भारत के सभी लोग चाहे किसी भी प्रांत के हों, कि हम उसी व्यक्ति को अपना मत देंगे जो प्रतिज्ञाबद्ध होगा गोरक्षण के लिए, शपथ लेगा समाज के सामने, और नहीं तो हम अपना मत नहीं देंगे, हमारा मत लेकर ये शासन में बैठकर गोबध करते हैं ऐसे लोगों को हम अपना मत नहीं देंगे, जिस दिन भारत की जनता ये निर्णय कर लेगी उस दिन गोरक्षा हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, गो सेवा के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये आम जनता नहीं समझ पाती है। ये तो जो गो सेवा के काम में लगे हुए हैं उनको इस बात का अनुभव होता है। हमारे लिए लोग कहते हैं अरे बाबा पे कहावत की कमी है, बाबा तो कथा बांच रहे, हमारे ब्रिज में ही कहते हैं लोग बाबा तो खूब कथा बांच रहो, बड़े बड़ो पैसा रहो, बड़े बड़े सेठ साहूकर बड़ो रुपया पैसा दे रहे हैं बाबा को, और सरकार ने भी सहायता दी है, हमको ये नहीं कहते, राजस्थान सरकार ने भी सहायता दी है, लेकिन इसके बाद भी आज जड़खोर गौशाला के ऊपर लगभग 1,60,00,000 का कर्ज है जो बैंक से लिया गया है। इतना होने के बाद इस समय 7,500 से ऊपर गोवंश है, थोड़ी दिन में 8,000 हो जाएगा। तो कितना खर्च लगता है, हर चीज खरीदनी पड़ती है। ये बात अभी इंद्र जी बैठे हैं इनके यहां 1,800 गई है, ये अनुभव करते होंगे, आप अनुभव करते होंगे। गो सेवा में लगे हुए लोग क्या अनुभव कर रहे हैं ये स्वयं करके आप देख लो कितनी कठिनाइयां आती हैं। गाय दुर्भाग्य से केवल शासकों के द्वारा उपेक्षित नहीं है, समाज के द्वारा भी उपेक्षित है। शासन और समाज दोनों उपेक्षा कर रहे हैं, गिने चुने उंगलियों पर लोग हैं जिनकी पवित्र लक्ष्मी गो सेवा के पवित्र कार्य में जा रही है। आज अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, ज्यादा नहीं, केवल आस्तिक हिंदू सत्संग से जुड़े हुए लोग केवल इतना निश्चय कर लें कि हम अपनी आय का दशांश गो सेवा में लगाएंगे, जहां भी हैं वहां रहकर गो सेवा करेंगे, उसका अपनी आय का दशांश गो सेवा में लगाएंगे, तो हमें ऐसा विश्वास है कि इस देश में इतना बड़ा दशांश के रूप में राशि इकट्ठी हो जाएगी कि एक भी गाय कूड़े कचड़े के ढेर पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी, हर गाय सुंदर अच्छे गो सदन में आश्रय प्राप्त कर रही होगी, और हर गाय सुखी होगी, भूखी कोई गाय नहीं होगी, सुखी कोई गाय नहीं होगी। लेकिन 10% की तो चले क्या, 1% भी लोग ईमानदारी से खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी संतों से प्रार्थना करते हैं
अपनी अपनी परंपराओं की जो साधना उपासना की परिपाटियां हैं उनके अनुसार साधना उपासना करते हुए भी अपने मूल अस्तित्व को बचाने के लिए गोवंश संरक्षण संवर्धन के लिए अब संतों को कमर कस लेनी चाहिए, ब्राह्मणों को वक्ताओं को विद्वानों को कमर कस लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अरे भैया कलयुग है ये तो होना ही है, हम कहां तक करेंगे, इस तरह से लोग उदासीन हो जाते हैं। आप खड़े होंगे तो आपके पीछे बहुत बड़ा समाज खड़ा है, वो पीछे नहीं, वो भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। और यह बात बिल्कुल पक्की समझ लीजिए, गाय की सेवा कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, गाय की सेवा साक्षात गोविंद कर रहे हैं। आज आप बताओ कहां से व्यवस्था जुटती है, भगवान व्यवस्था जुटाते हैं, ठाकुर जी जुटाते व्यवस्था। तीन काम मेरे विचार से प्रत्येक सत्संगी भाई बहन को मनुष्य को करना चाहिए। एक तो गोवंश संरक्षित हो संवर्धित हो सुखी हो, भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, इसलिए नित्य प्रति ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है। इस काम में एक रुपए का भी खर्च नहीं है, आप कर सकते हैं। अपने इष्ट मंत्र की चार माला पांच माला जप करनी, इतना भी नहीं हो सके तो ज्यादा नहीं घड़ी देखकर 15 मिनट राम नाम का जप करना है, बिना माला के ही कर लो, कृष्ण नाम का जप करो राम नाम का जप करो, कुछ काल स्वयं दो और अपने से जुड़े हुए लोगों को दो। दास तो शरणागति के ही समय पक्का करवा लेता है कि इतनी माला जप गोरक्षा के लिए करना होगा, और ठाकुर जी की कृपा से हजारों लोग इस समय देश में गोरक्षा के लिए जप कर रहे हैं, नाम लेखन भी कर रहे हैं। तीन लोग तो अभी सवा सवा करोड़ राम नाम गोरक्षा के लिए लिख चुके हैं, तीन ठाकुर जी के परिकर, और तमाम लोग नाम लेखन में गोरक्षा के लिए लगे हुए हैं। प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है, आप हृदय से प्रार्थना कीजिए, निश्चित उससे देश में एक पवित्र वातावरण का निर्माण होगा। दूसरा काम, एक रोज भगवान से प्रार्थना, इष्ट मंत्र का जप या स्तोत्र का पाठ। दूसरा कार्य यह निश्चय करना कि हम अपने घर के ठाकुर जी की सेवा पूजा, अपना देवार्चन, पितरों का श्राद्ध और अपने व्यक्तिगत आहार में वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के दूध दही घृत का ही प्रयोग अपने आहार विहार में और अपनी सेवा पूजा में करेंगे, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े पैमाने पर गाय की रक्षा होगी। ये मत कहो कि गौशाला बहुत महंगा बेचती है, क्या करें हमारी तो चलती नहीं है, हम चलाना भी नहीं चाहते, लेकिन यदि हमारी चले ना तो हम जितनी भारतवर्ष की गौशालाएं हैं वेद लक्षणा गायों की जहां सेवा होती है उनका दूध कम से कम 100 रुपए लीटर करवा दें हम, हमारा यदि चले तो। गोपालक को पैसा मिलता ही नहीं, आज करके तो देखो आज घी की क्या कीमत है, लोग 400 रुपए में घी बेच रहे हैं, 500 रुपए में घी बेच रहे हैं, उनसे पूछो भैया कहां से इतना, आप तो गोपालक हैं, 25 लीटर दूध ओटा करके जमाएंगे तो उसमें एक शेर घी मिलेगा, 25 लीटर का क्या, एक लीटर की जोधपुर में क्या कीमत चल रही है बताओ आप लोग, है 40 तो बहुत सस्ता है भैया दूध, जो जोधपुर में हमारे वृंदावन में तो 60 रुपए लीटर है, चलो यहीं का भाव ले लो 40 रुपए लीटर दूध है, 40 रुपए लीटर दूध का 25 लीटर की कितनी कीमत हुई, है 1000 रुपए हुई, फिर उसको ओटाना गरमाना जमाना एक व्यक्ति का श्रम वो भी ले लो, गैस का खर्च लकड़ी ईंधन का खर्च ले लो, तो बोलो अच्छा चलो मत लो, तो एक लीटर घी 1000 रुपए का हुआ, 1000 रुपए का हुआ।
अब जो 400 रुपए में मिल रहा है वो क्या है आप विचार कर लो। गाय के गव्य पदार्थ की हम कीमत समझें तो दूध दही घी की बात तो जाने दीजिए, छाछ की बात जाने दीजिए, गाय के गोबर और गोमूत्र का मूल्य दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जीवनी शक्ति प्राण शक्ति गोमूत्र में है, गाय के गोबर में है। ये गोबर नहीं है, गो माता का बर है, वरदान है, गोबर गो माता का वर है, सारी प्रकृति के लिए सारी सृष्टि के लिए गो माता का वरदान है गोबर। इतनी पवित्र वस्तु है गोबर, आज हम उपयोगी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रतिज्ञा पूर्वक गोव्रती बनना, और इसके लिए उत्तम यह है कि जिन गौशालाओं में आपको पूर्ण विश्वास है वहां से आप घी लें, वहां से दूध लें, दही लें, और अपने घर में गोपालन करें तो अपने घर का दूध दही घी हो तब तो कहना ही क्या है। हनुमानगढ़ में इनकी इंद्र जी की गौशाला देखने हम गए तो हमने वहां घी बनते हुए देखा, एकदम देसी पद्धति से बिलोना वाला घी, खूब ओटा करके उसको जमा करके कंडे की आंच में ओटा करके, और वो घी कितना क्या भाव दे रहे थे आप? नहीं नहीं उस समय 700, इन्होंने कहा 700, हमने कहा भाई हम तो इतने में नहीं लेंगे क्योंकि अपमान होगा ये घी का। तो इनका था नहीं, हम आपको तो और कम में ही हम देना चाहते हैं, आप ज्यादा में क्यों? कि नहीं नहीं हम तो ज्यादा लेंगे। हमने कहा हम 800 देंगे, ये कहा ना आपको, हमने 1000 कहा था, मैंने ये कहा था आपको कि हम तो 1000 रुपए लीटर में आपका घी खरीदेंगे। क्या हमारे यहां पेड़ लगा हुआ है रुपयों का? हम ऐसे ऐसे हिलामे गिर जाएं पेड़। लेकिन हम ये बात बोल रहे हैं 1000 रुपए लीटर में भी गाय का घी खरीदना गाय के साथ गोपालक के साथ न्याय नहीं है। और आज प्रत्येक गोपालक को यदि 50 रुपए लीटर भी दूध का दाम घर बैठे मिलने लग जाता है तो हजारों घरों में गाय पल जाएगी, लेकिन गोपालक को कुछ नहीं मिलता। डेयरी वाले लोग थोक में लेते हैं, फैट के आधार पर उसको खरीदते हैं, गोपालक के हाथ बेचारे के पास कुछ नहीं लगता और डेयरी वाले लोग धनपति बनते चले जा रहे हैं। और बुरा नहीं मानना, डेयरी उद्योग जो है वह भी गोवध को बढ़ावा देने वाला है। कैसे हम आपको बताते हैं, दूध देना कम हुआ, दूध देना बंद किया तो किसान तो उस भार को सह नहीं सकता और डेयरी वाले को पैसा फिर देना नहीं, वो तो दूध का ही पैसा चाहिए उसको, तो उन गायों का क्या होगा? अथवा जो डेयरी वाले स्वयं गोपालन करते हैं, डेयरी उद्योगों की भी गौशालाएं, उनके यहां भी बूढ़ा गोवंश आपको नहीं मिलेगा, बिना दूध का गोवंश नहीं मिलेगा और नर गोवंश नहीं मिलेगा। आप पता लगाइए कहां गया वो बूढ़ा गोवंश, कहां गया दूध के? क्या गाय कभी बूढ़ी नहीं होती क्या? क्या बछड़े पैदा ही नहीं होते क्या? कहां गए वो? गाय से लाभ लीजिए, आर्थिक लाभ लीजिए, लेकिन गाय के प्रति जो हमारी धार्मिक दृष्टि है उस धार्मिक दृष्टि को पुष्ट रखते हुए गाय से जो लाभ हम ले सकते हैं हमें लेना चाहिए, क्यों? गाय कामधेनु है, सब लाभ लेना चाहिए, लेकिन गाय के धार्मिक महत्व को स्वीकार करते हुए। महाराज जी महाभारत में लिखा है गाय को प्रहार करते समय, डंडा मारते समय या किसी भी चीज से प्रहार करते समय गाय के शरीर के जितने रोयां झड़ जाते हैं उतने वर्षों तक रौरव नरक की यातना व्यक्ति को भोगनी पड़ती है। इसलिए गाय को हरी पत्ती वाले टहनी से उसको हांकने की विधि दी है। ग्वारियों के हाथ में जो लकुट होता है उसको डंडा नहीं कहते हैं, उसको गोरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वो गाय चराने जा रहा है तो गायों की रक्षा के लिए वो धारण किया हुआ है, गायों को मारने के लिए नहीं है। गाय हमारे यहां अत्यंत पूज्या है, आराध्या है, उपास्या है,
और गाय हृदय की भाषा समझती है, हृदय की भाषा समझती है। अभी एक गुवाहाटी में एक मारवाड़ी परिवार की माताजी हैं, उन्होंने एक अनुष्ठान किया गाय के लिए, गाय ने गोबर किया, गाय ने गोबर किया तो हमारे पास फोटो भेजा था, वो आएंगी तो हमको दिखाएंगी भी। महाराज जी, गोबर के मनियों की बनी हुई 108 दाने की माला, गोबर की बनी हुई माला गाय के गोबर से निकली। गोमाता ने अपने गोबर से एक माला दी उस मैया को, आज भी रखी हुई। आप सोचो, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है, है वो माला रखी है अभी उनके पास, आप देख सकते हैं। तो गाय पशु नहीं है, पशु को के आकार में दिखने पर भी वो भगवान की भी भगवान है। ये पूज्य भावना हम गाय के प्रति रखें, गाय पशु नहीं, गाय को पशु मानने वाले मनुष्य नर पशु हैं, गाय माता है, गाय पशु नहीं है। इसलिए गोरक्षा के लिए रोज प्रार्थना, गव्य पदार्थों का अपने जीवन में उपयोग दूसरा, और तीसरा साधन है क्रियात्मक भावात्मक सृजनात्मक रचनात्मक किसी भी प्रकार की नित्य गो सेवा करना। रोज आप चाहें तो किसी न किसी रूप में गो सेवा, गाय की दो बात किसी तक भेज करके भी आप गो सेवा कर सकते हैं। तो हम प्रतिदिन किसी न किसी रूप में गो सेवा करें। हमारे राघवेंद्र दास जी हैं, सामने बैठे हैं, गिरिराज जी से आए हैं, ये स्वयं अपने हाथ से पूरी गो सेवा करते हैं, चार छह घंटे रोज श्रम करते गो सेवा। और जमुना के उस पार भी इन्होंने एक गांव में अनाश्रित गोवंश के लिए गौशाला बनाई, वहां भी खूब सुंदर सेवा करते हैं, स्वयं अपने हाथ से गो सेवा करते हैं। कर सकते हैं? हम सुनते थे तो हम एक बार इनको बिना बताए ही जमुना पल्ली पार गांव वाली गौशाला चले गए, तो उस क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं, वहां देखकर मेरे चित्त में बड़ी प्रसन्नता, संत बहुत छोटी व्यवस्थाओं में भी कितने अच्छे अच्छे कार्य संत कर रहे हैं। स्वयं प्रत्यक्ष अपने हाथ से हम गो सेवा करें, किसी न किसी प्रकार से गो सेवा करें। और महाराज बुरा नहीं मानना, हम अपने घर की कमी बता रहे हैं, आश्रमों में मठों मंदिरों में दूध पीने के लिए सब तैयार खड़े हैं, छाछ चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, घी भी चाहिए, थोड़ा गोबर उठा दो, थोड़ा ठाक गैया के लिए सानी बना दो, न्यार रख दो, इसके लिए कोई तैयार नहीं। हमारे पूज्य श्री नवल राम जी महाराज बहुत सुंदर गो सेवा करते हैं, गायों का दर्शन करके मन राजी हो जाता है। हम बार बार प्रार्थना करते थे, महाराज जी गैया रख लो, गैया रख लो, आपने गैया रखी और वहां प्रेम से ठाकुर जी की गो सेवा हो गई। तो गाय की सेवा, आश्रम में रहने वाले लोग प्रत्यक्ष गो सेवा करें। हमारे कबीर साहब परंपरा के संत हैं, इनकी भी बड़ी सुंदर गौशाला, बहुत सुंदर गौ सेवा करते हैं। तो खूब संत गौ सेवा में लगे हैं, धर्मदासी यहां जोधपुर के पास बड़ी सुंदर गौ सेवा करते हैं, खूब संत गौ सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे गौ सेवा परायण महापुरुषों को आप अपना सहयोग कीजिए, जिससे वे गौ सेवा के कार्य में उन्मुक्त भाव से आगे बढ़ सके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अभी पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने पूरे देश में गो ज्योति यात्रा के माध्यम से जागरण किया, तो महाराज जी बता रहे थे कि आज भी लोग बड़े प्यासे हैं, गो सेवकों का नेतृत्व करने वाला कोई एक व्यक्तित्व चाहिए, आज भी लोगों में ये तलाश है, खोज है। तो गो ज्योति यात्रा को कितना आदर मिला महाराज जी सुनाते हैं। और ये राजस्थान का सौभाग्य है कि एक महान गोभक्त संत इस प्रदेश को प्राप्त हैं और पूरे देश को प्राप्त हैं, ये यहां का सौभाग्य है। तो गोद सेवा प्रत्यक्ष करें। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज
जिनसे हमने विरक्त वेश ग्रहण किया, हमने आपको पहले निवेदन किया कि वे एक डेढ़ छटाक साग दोपहर में लेते थे, शाम को डेढ़ पाव दूध, बस यही उनका आहार था, अन्न लेते नहीं थे। लगभग 120 वर्ष की आयु में शरीर उन्होंने त्यागा। एक दिन बुखार हो गया, मंदिर में हम पूजा करते थे तो महाराज जी ने दोपहर में साग भी नहीं लिया, शाम को दूध भी नहीं, हम दूध भोग लगा के लाए ठाकुर जी को, तो महाराज जी दूध ले लीजिए, बोले आज ज्वर है, ज्वर में लंघन ठीक होता है, खाएंगे नहीं कुछ भी। तो उठा के हमने बिठाया, अच्छा उठा के बिठा दो, उठा के बिठाया, तो मंदिर का जो दूध का गिलास था उसको दोनों हाथ करके सिर लगाया, बोले तुम पुजारी हो पी जाओ। तो हमने डरते डरते फिर कहा महाराज जी थोड़ा सा ले लीजिए। महाराज जी बोले आज मैंने अपने हाथ से गो सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं। एक प्राचीन स्थान के महंत पद पर विराजमान थे, एक परंपरा के आचार्य पद पर विराजमान थे, लेकिन जीवन की अंतिम श्वास तक गो सेवा की। जिस दिन भगवत धाम गए हैं उस दिन भी उनका टाट बिछा रहता था आसन में, देखो भैया इसमें कुछ पैसा है, पैसा जो भी निकला बोले सबकी हरी हरी भाजी पत्ती खरीद के लाओ, पालक खरीद के लाओ, गाय को खिलाना है, सब गायों को खिला दिया, कुछ नहीं बाकी बचा के रखा। और उसके 10 मिनट में भगवत धाम चले गए गायों को अंतिम ग्रास देकर के, ऐसा उनका जीवन था। तो हम लोग ये निश्चय करें कि हम गो सेवा करेंगे तब हम दूध पीने लायक हैं, हमको गो सेवा करनी चाहिए। पहले आश्रमों में नौकर तनख्वाह पर नहीं रखना पड़ता था गौ सेवा के लिए, न ठाकुर सेवा के लिए, न रसोई के लिए, न गौ सेवा के लिए। अब जमाना ऐसा आ गया कि अब सब स्थानों में वैतनिक रखने पड़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि अब भाव धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक प्रार्थना यह है कि जब हम रहें तब हम गौ सेवा करें। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मुंबई से और बड़े बड़े शहरों से कई सरकारी नौकरी करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लड़के 35-40 साल या 45 वर्ष की उनकी उम्र है, ऐसे लड़के हमारे मलुकपीठ गौशाला में आते हैं, एक सप्ताह गोबर डाल के चले जाते हैं, नौकरी करने वाले लोग। आपको कैसे प्रेरणा मिली, हमारे बंबई में तो मिलता नहीं, तो हम केवल कथा सुनते हैं, कथा सुन के हमें प्रेरणा मिली है, तो वृंदावन वास भी हो जाए, गौ सेवा भी। अच्छे अच्छे लोग आकर अपने हाथ से गोबर उठाते, गो सेवा करते। ये तीन काम हम करें तो निश्चित गो रक्षा के इस पवित्र यज्ञ में हम अपनी गो सेवा की आहुति अर्पित कर सकते हैं। और नहीं तो मरने के बाद ठाकुर जी के दरबार में जवाब देते हम लोगों से नहीं बनेगा, इतना बड़ा पाप हो रहा था, तुमने क्या किया गो रक्षा गो सेवा के लिए, तुमने क्या किया, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।